नमस्कार, मैं जिग्नेश ऑल्ट न्यूज़ से। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि कैसे पुराने वीडियो के साथ सांप्रदायिक संदेश फैलाया जा रहा है, जिससे समाज के दो समुदायों के बीच नफरत की भावना भड़के। कुछ दिनों पहले भी बांग्लादेश के एक वीडियो को राजस्थान में हिंदुओं पर मुस्लिमों द्वारा किए जा रहे अत्याचार का कहकर बताया गया था। आज एक फिर वीडियो वायरल हुआ है, जिसे कहा जा रहा है कि वो राजस्थान का है। पिछले वाले वीडियो की तरह यहाँ भी यह बताने की कोशिश की जा रही है कि कैसे कांग्रेस के नए शासनकाल में हिंदुओं की हालत बद से बदतर हो रही है। इस वीडियो के माध्यम से यह दावा किया जा रहा है कि यह एक हिंदू लड़की के बलात्कार के बाद उसे मार दिए जाने की घटना के मातम का है। घटना के पीछे मुस्लिम लड़कों का हाथ था और पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है, क्योंकि यह मुस्लिम बहुल इलाका है। कहानी विचलित कर देने वाली है, लेकिन दर्शकों को बता दे, ये मनगढ़ंत है। आइए देखते हैं कैसे। ऑल्ट न्यूज की पड़ताल में चौंका देने वाला सच सामने आया है। वीडियो तो राजस्थान का ही है, लेकिन इसका बलात्कार जैसी घटना और मुस्लिम समुदाय से कोई संबंध नहीं है। दरअसल ये वीडियो राजस्थान के अलवर जिले के मुगलपुर गाँव का है, जहाँ पूरा गांव बीएसएफ के स्वर्गीय जवान हंसराज गुर्जर को अंतिम श्रद्धांजलि देने इकट्ठा हुआ था। वीडियो में रो रही महिला गुर्जर की पत्नी मंजू देवी है। न्यूज 18 द्वारा 14 जून 2018 को प्रसारित हुई एक फोटो स्टोरी के कैप्शन के मुताबिक, जब शहीद की पार्थिव देह घर पहुंची तो पत्नी मंजू देवी की हालत बिगड़ गई। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे एक गुमराह कर देने वाले वीडियो के माध्यम से ये प्रतीत करने की कोशिश की जा रही है कि मुस्लिम समुदाय हिंदू समुदाय पर अत्याचार कर रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसे कोई भी सांप्रदायिक हिंसा भड़काने वाले वीडियो को साझा करने से पहले दो बार जरूर सोचें। थैंक यू।